है दोस्तों, मैं हूँ निकेल रॉय और आप देख रहे हैं इंडियन गार्डन। दोस्तों आज मैं जो देखने जा रहा हूँ वो है पर्लाइट। आपने बहुत सबने नाम सुना है, पर्लाइट का नाम सुना है, लेकिन पर्लाइट क्या है, कैसे काम करते हैं, कि कितना देना चाहिए, कि लैंड में साउ में कितना देना चाहिए, कैसे यूज करते हैं, वो मैं बताऊँगा आज। तो ये देखिए, एक खरीदा अमेजोन से, अमेजोन से सेलर है पीपर एग्रो। तो पीपर एग्रो से खरीदा, पीपर एग्रो बहुत दिनों से खरीद रहा हूँ, वो अच्छा है। इसका जो ओनर है टीटस जॉन, बहुत अच्छा आदमी है, तो उससे खरीद रहा हूँ, बहुत सालों से खरीद रहा हूँ। ऐसे रास्ता है, देखिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप खरीद सकते हैं उधर से। तो मैं खोलते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं पैकेट में। एक वाइट सब्सटेंस है पर्लाइट, वाइट सब्सटेंस है, ये वोल्केनिक रॉक से उगते हैं। वोल्केनिक रॉक को 80 to 900 डिग्री टेम्परेचर में जब हम हीट देते हैं तो उससे ये एक्सपेंड हो जाता है वो रॉक। और ये जो वोल्केनिक रॉक है उसका कलर है ब्लैक या ग्रे, और जब हम उसको हीट देते हैं 800 टू 900 टेम्परेचर में जब ले जाते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, जैसे भुट्टा होता है ना, भुट्टा जैसे पॉपकॉर्न है, से पॉपकॉर्न जैसे होते हैं, ऐसे ही एक्सपेंड कर जाता है, बहुत लाइट ऐसे ही फूटते हैं। देखिए ऐसे एकदम व्हाइट। और मैं एक ट्रे में डालता हूँ, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में बहुत लोग सेल करते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। मैं जिसे लेता हूँ उसका लिंक मैं दे दूंगा, है टोटल 1.9 kg है, और विद जीएसटी ये है 542 rupees। तो अराउंड हो गया 250 rupees ऐसे हो गया। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए ये है, ये जो एकदम हल्का सा है, ये क्या करते हैं सॉइल में, सॉइल में के आपका जो चिकना सॉइल, शायद आपका चिकना सॉइल है उसके साथ थोड़ा मिला लीजिए, एकदम लाइट हो जाएगा। ये जो सॉइल है सॉइल को एकदम पुरस कर देता है, पुरस मींस वो जो ड्रेनेज सिस्टम है सॉइल का, जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हम इसलिए यूज करते हैं इसको कि यूज मैंने जो करता हूँ वो जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन सॉइल के लिए जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है इसमें, इसके साथ मिट्टी मिला के हम बोल देंगे, कोई और एक वीडियो में बोल देंगे जर्मिनेशन सॉइल कैसे किया जाता है पर्लाइट मिला के। और एक है इंडोर प्लांट्स के लिए, इंडोर प्लांट के लिए ज़्यादा वाटर नहीं लगते हैं, पानी ज़्यादा देंगे तो इंडोर प्लांट मर जाएगा, क्योंकि उसे सनलाइट नहीं मिलता है, ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होता है, इसलिए इंडोर प्लांट का जो सॉइल है वो अच्छा से ड्रेनेज होना चाहिए, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और जो उसको कोई चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी को लाइट करने के लिए ये मिलाया जाता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मिलाने से ये हो जाता है ठीक। इसका और एक बात है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होता है, नेचुरल मिनरल्स होता है, और ये इनऑर्गेनिक होता है, तो इसमें कोई पेस्ट ऐसे कीड़ा मकोड़ा ऐसे नहीं आते हैं,
इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होता है जो प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। मिट्टी के साथ कम मिलाइए, मिट्टी के साथ थोड़ा सा मिलाने से ही हो जाएगा और पूरा सो जाएगा ये। और एक बात है, ये पार्लाइट हम क्या करते हैं, पार्लाइट के साथ भार्मी कुलाइट Thank you.